बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो लखनऊ से आ रही है। पटाखों की अवैध बिक्री पर लगाम, चीनी पटाखों की बिक्री पर लगी रोक, बिना लाइसेंस नहीं बेचे जा सकेंगे विदेशी पटाखे। पटाखों आतिशबाजी को लेकर डीजीपी ने जारी किए निर्देश, बिना लाइसेंस इंपोर्टेड पटाखे बेचने वालों पर अब होगी कार्रवाई। प्रशासन से मिले लाइसेंस पर ही बेचे जाएंगे पटाखे। पटाखों की दुकानों के अग्निशमन की व्यवस्था के निर्देश। बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि दिवाली पास में है और इसी को देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई जो है वो यहां पर नजर आ रही है। और इसके साथ ही साथ बिना लाइसेंस की जो पटाखे की दुकानें हैं वो नहीं चलाई जा सकती हैं, प्रशासन से मिले लाइसेंस पर ही बेचे जाएंगे पटाखे। दरअसल पटाखों की दुकानों के अग्निशमन की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं। और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलेंगे, जहां पे संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव है। अविनाश, कह सकते हैं कि दिवाली पास में है और जिस तरीके से अवैध फैक्ट्रियों की बात करें तो यहां पर एक बड़ी कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल चांदनी, देखिए जिस तरीके से आगरा, मेरठ और कुशीनगर में अवैध पटाखे को लेकर जो कई बड़ी घटनाएं हुई और कई लोगों की जान गई, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। और चूंकि प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग पटाखे की बिक्री करना चाहते हैं या जो लोग पटाखा बनाना चाहते हैं उनके लिए अस्थायी लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी। हालाँकि इस गाइडलाइन में साफ तौर पर ये निर्देशित किया गया है कि जो इम्पोर्टेड पटाखे होंगे उनकी बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। यानी कि देखा जाता है कि दीपावली के मौके पर चांदनी जो चाइनीज पटाखे होते हैं उनकी मार्केट में पूरी तरीके से भरमार होती है, तो उसको रोकने के लिए भी कह सकते हैं कि ये प्रशासन का एक बड़ा कदम है। और जितने भी जो तमाम ज़िले हैं उन ज़िलों के अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने ज़िले में सुनिश्चित करें कि कहीं से भी कोई अवैध पटाखे का जो कारोबार है वहाँ पर ना चल रहा हो, अवैध पटाखे की बिक्री ना हो रही हो। और साथ ही में जहाँ पर इसका भंडारण किया जाता है, यानी कि जहाँ पर स्टोरेज किया जाता है, उस की जो लोकेशन है, जो वहाँ की स्थिति है, किस तरीके से बहुत ज़्यादा आबादी वाला इलाका ना हो, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये गाइडलाइन जारी किया गया है और इस पर सख्ती से पालन करने की बात भी कही गई है। एक चीज़ चांदनी आपको और बता दूं कि प्रशासन ये तैयारी कर रहा है कि जो ऑनलाइन बिक्री होती थी दीपावली के टाइम पर पटाखों की, उसको भी रोकने का प्रस्ताव भेजा गया है। और उस प्रस्ताव में कहा गया है कि इस बार दीपावली के मौके पर या फिर दीपावली के बाद जो ऑनलाइन पटाखों की बिक्री होती है उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए और उसके लिए जो संबंधित विभाग हैं उनको भी निर्देश जारी किया जाएगा कि ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर इस बार पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रहेगा। बिल्कुल अविनाश, क्योंकि अब से कुछ ही दिन पहले जैसा कि हम सब जानते हैं कि खबरें आई थी कि अवैध पटाखा फैक्ट्रियों में जिस तरीके से विस्फोट हुए थे उसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी, तो डीजीपी ने यहां पर सख्त भी निर्देश भी दिए हैं कि कोई बिना लाइसेंस के अवैध फैक्ट्री या अवैध पटाखों की अगर बात करें तो वो नहीं चला सकते हैं। बिल्कुल चांदनी, देखिए हादसे काफ़ी बड़े हादसे थे, चाहे आगरा में जो हादसा हुआ था उसकी बात करें, मेरठ में हादसा हुआ उसकी बात करें, फिर जिस तरीके से कल कुशीनगर में हादसा हुआ, चार लोगों की उसमें मौत हो गई। और चूंकि सभी जो लोग थे एक ही परिवार के थे, जो घायल थे वो भी उसी परिवार के थे, और जो वहाँ के लोग थे वो बता रहे थे कि वो धमाका इतना ज़ोरदार था, इतना ज़बरदस्त था कि आसपास के लोग डर सहम गए थे कि आखिर हुआ क्या वहाँ पर। चूँकि बाद में ये बात सामने आई कि वहाँ पर अवैध तरीके से पटाखे का निर्माण किया जा रहा था। तो आमतौर पर देखा जाता है चांदनी की दीपावली के वक्त अलग अलग शहर हैं, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन को ये माना जाता है आमतौर पर कि सबको पता होता है कि यहाँ पर यह कारोबार चल रहा है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की जाती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार इस बार सख्त है और सरकार ने साफ किया है कि ऐसे अवैध कारोबार करने वालों पर पुलिस की सख्ती जारी रहेगी। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी कुछ दिन पहले, चूंकि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने ये निर्देश जारी किया था कि यहाँ पर जो भी दुकानदार हैं वो दीपावली के टाइम पर जो पटाखा बेचना चाहते हैं उनके लिए अलग से एक अस्थाई लाइसेंस दिया जाएगा और उसी लाइसेंस के आधार पर ही वो किसी गली मोहल्ले में या किसी कॉलोनी में वो अपनी दुकान लगा सकते हैं। लेकिन अब ये जो पूरी व्यवस्था है पूरे प्रदेश में करने की बात कही जा रही है और उसी के मद्देनज़र डीजीपी की तरफ से ये जो पूरी गाइडलाइन है वो जारी की गई है।